आज हम सभी जो पिछले चार दिनों से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य आप लोगों ने पहले दिन से ही पहले इसका महात्म्य श्रवण किया। यदि इसका केवल पाठ भी, इसका मूल पाठ करके भी यदि किसी दिवंगत आत्मा जिसकी दुर्गति हो गई हो, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो, उसके निमित्त यदि इसका पुण्य अर्जित कर दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो आपने कथा श्रवण की, धुंधुकारी की, यह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हमें ज्ञान देने वाली है, वैराग्य हमें उत्पन्न कराने वाली और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। दूसरी कथा आपने श्रवण की जब देवर्षि नारद जी की भक्ति जी के साथ फेंक हुई और उन्होंने उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे उनको उन्होंने सनकादि ऋषियों के द्वारा भागवत की कथा जब श्रवण सबने की तो उस समय वो ज्ञान और वैराग्य पुनः युवा अवस्था को प्राप्त हुए और भक्ति हर भक्त के हृदय स्थल में विराजित हो। अर्थात इस श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा है इसका श्रवण करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्र में कहा गया है ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है कि हम आवागमन के चक्कर से छूट जाए। ये जो जन्म मरण का चक्कर चला हुआ है, 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है, इससे इसका छुटकारा हो जाए और अपने जो परम तत्व है उस ईश्वर का साक्षात्कार कर ले तो उसमें सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी ज्ञान से जब व्यक्ति को पता चलेगा कि वास्तव में जो कुछ हम देख रहे हैं, भौतिक पदार्थ जितने भी हमारे सामने हैं, संसार में जो भी प्रकट है, जो व्यक्त है, वो सब नश्वर है और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो सत्य है, जो अव्यक्त है। अर्थात ये जो शरीर हमारा जो हमें सामने दिखाई दे रहा है ये प्रकृति है, ये व्यक्त है और इसके भीतर विराजमान जो जीवात्मा है, जो आत्म तत्व है, वो हमें दिखाई नहीं देता, उसको अव्यक्त कहा गया है और वो सत्य है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस सत्य और असत्य की पहचान नहीं कर पाएंगे। जब हमें ज्ञान के द्वारा ये पहचान हो जाएगी तब जिनके प्रति हमारा मोह बन जाता है, जो भौतिक पदार्थों में, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान किसे प्राप्त होता है, श्रद्धा भान लभते ज्ञानम। जैसे अभी गुरु जी कह रहे थे कि श्रद्धा से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिय, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके, नियंत्रित करके और उस ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर हो जाता है, संलग्न हो जाता है, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। और जब व्यक्ति को इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उन भौतिक पदार्थों के प्रति जो उसकी आसक्ति है, मोह है, ममता है कि ये मेरा है, वो आसक्ति नष्ट हो जाती है तो फिर उसके अंदर उनके प्रति जो राग है वो समाप्त हो जाता है। तो यही क्या है, ज्ञान और वैराग्य की युवा अवस्था को प्राप्त हो जाता। अर्थात श्रीमद् भागवत कथा जब हम श्रवण करेंगे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमारा जो संसार के प्रति जो राग है उस राग की समाप्ति हो जाएगी, वैराग्य हमारे भीतर उत्पन्न होगा। तो ये ज्ञान और वैराग्य वो हमारे अंदर युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। युवा अवस्था में प्राप्त हो जाना अर्थात प्रबल हो जाना, जब उनकी प्रबलता हो जाएगी तब हमारी भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ होगी। अब ये सब कुछ हमें कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता
संत हंस गुण गही पय परिहरि बारी बिका। ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये सब जड़ चेतन, जो चेतन रूप है या जड़ रूप है, ये भगवान ने इसको उत्पन्न किया है, लेकिन ये गुण और दोषों से भरा हुआ है। त्रिगुण में सृष्टि है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण इसमें विराजित है। तो इस त्रिगुण में सृष्टि जिसमें दोष भी साथ में है, इस दोष और गुणों से युक्त सृष्टि में जो संत लोग हैं वो हंस के समान कार्य करते हैं। जैसे हंस के सामने आप जल और दूध मिला करके रख दें तो हंस क्या करता है, वो उसमें से दूध निकाल करके पी लेता है। और परिहरि वारी विकार, उसमें जो जल रूप जो विकार है उसको वो अलग कर देता है, उसको छोड़ देता है। तो वो संत दृष्टि, वो विवेकमय दृष्टि जब तक हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हम संसार से गुणों को ग्रह नहीं कर पाएंगे और दोषों का त्याग नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि संसार में ही हमने रहना है, संसार को हम छोड़ करके कहीं ये सोचें कि बाहर जा करके हम जंगल में चले जाएं तो ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे, वहां पर हमारे पास संसार नहीं होगा, ये त्रिगुणमय सृष्टि हमारे साथ नहीं होगी, गुण दोष में ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा कभी संभव नहीं। क्योंकि जंगल में भी हम एकांत में भी चले जाएंगे तो सबसे बड़ा संसार ये हमारा शरीर ये हमारे साथ में ही है, तो इसका परित्याग हम नहीं कर सकते। तो इस संसार में ही हमें रहना है, लेकिन कैसे रहना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पद्म पत्र एवं वसह, कि जो योगी व्यक्ति होता है कर्म योगी, अर्थात संसार में ही रहते हुए कर्म करता है, लेकिन इस कर्म को कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, को कर्म में तो इसका अधिकार है जीव का, लेकिन उसके फल पर अधिकार नहीं है। तो फल की आसक्ति, फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका जब हम परित्याग करते हैं, फल तो हमें प्राप्त होगा ही, जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म के अनुसार फल हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस फल के प्रति जो हमारी आसक्ति हमें उसका परित्याग करना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल के प्रति हम अपने आप को जोड़े नहीं, और माते संगस्तो कर्मी, और कर्म से हम अलग भी मत हों, क्योंकि वेद में कहा गया है कुर्वन्येवेह कर्माणि जीव शेष शतम समा, हर व्यक्ति को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। इसलिए हम इस संसार में रहते हुए कर्मों को हम करें, लेकिन उन कर्मों को हम कैसे करेंगे, निष्काम भाव से कामना का परित्याग करके हम उस कार्य को यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्विदं ततं स्वकर्मणा तमेव वर्जय सिद्धिं विदिति मानवः। जिस ईश्वर से इस संसार की उत्पत्ति हुई है और जो ईश्वर इस संसार के कण कण में व्याप्त है, हम अपने कर्म के द्वारा ही उस ईश्वर की पूजा करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा कर्म है, हम उस कर्म का परित्याग ना करें, जिस स्तर पर भी है, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणोचित हम कर्म का परित्याग ना करें, उस कर्म को करें। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का जो स्वधर्म है उसका हम पालन करें। हम वैश्य हैं तो वैश्य का जो हमारा धर्म है हम उसका पालन करें। हम शूद्र हैं तो शूद्र का धर्म जो हमारा हम उसका पालन करें। हम स्त्री हैं तो स्त्री का जो धर्म है हम उसका पालन करें। हम पति हैं तो पति का धर्म का पालन करें। हम पत्नी हैं तो पत्नी का धर्म का पालन करें। हम पिता हैं तो पिता का धर्म का पालन करें। और पुत्र हैं तो माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है उसका पालन करें। हम गुरु हैं यदि शिक्षक हैं तो हमारा शिष्यों के प्रति छात्रों के प्रति क्या कर्तव्य है उसका पालन करें। और यदि हम शिष्य हैं तो गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो यही है स्वधर्म निधर्म श्रेया पर धर्मो गया वह। अपने धर्म का यदि हम पालन करते हुए हमको अगर मृत्यु आ जाए तो वो श्रेयस्कर है। दूसरे के धर्म के प्रति हमारी निष्ठा नहीं होनी चाहिए, अपने स्वधर्म का पालन करना है तो उसी से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ये सब ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होगा, देखिए पहले स्कंद में ही भागवत के देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म का भी वृतांत बताते हैं।
तो उनको कहां से वो ज्ञान प्राप्त हुआ? सत्संग से, संतों की शरण में जाने से। संत लोग वहां उनके मंदिर में आए, उन्होंने उनकी ज्ञान वार्ता सुनी और उनका ईश्वर के प्रति प्रेम जगा, तो उनका वैराग्य होगा संसार से। उन्होंने उस मंत्र का जाप किया, द्वादश मंत्र का जाप किया और उनको भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान के परम भक्त हुए। तो ये कहां से आरंभ हुआ? भगवत कथा श्रवण करने से और गुरु की प्राप्ति, जो संत पुरुष उन्हें प्राप्त हुआ। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे, उत्तानपादी के पुत्र ध्रुव, तो उनको भी देवर्षि नारद जी ने उनको द्वादश शिखर मंत्र का उपदेश दिया और उन देवर्षि नारद जी ने, गुरु जी ने, संत पुरुष ने उनको बताया कि कहां जाओ तो मथुरा के पास मधुबन में जाकर के तपस्या करो, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो मार्ग दिखाने वाले कौन है? संत पुरुष है, गुरुजन है। हम जब तक उनकी शरणापन्न नहीं होंगे, उनके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, हमारा उनके प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक हम इस संसार रूपी ये जो भव सागर है इसको हम पार नहीं कर पाएंगे। फिर आगे भक्त प्रहलाद की कथा आती है। उनको भी देखिए, देवर्षि नारद जी ने जब वो गर्भस्थ ही थे, क्या भी के गर्भ में स्थित थे, उसी समय देवर्षि नारद जी ने उनको ज्ञान का उपदेश उनको माध्यम बना करके ज्ञान को उन्हें देना शुरू कर दिया। तो उनके भी गुरु कौन हुए? देवर्षि नारद। इसी प्रकार से आप देखिए, जो देवहूति जी हैं, जो उत्तानपाद की पुत्री, जो उत्तानपाद की बहन है और मनु महाराज की पुत्री है, प्रथम पुत्री देवहूति, तो उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और कर्दम ऋषि जब संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उस समय उन्होंने भी अपने पुत्र कपिल जी से प्रार्थना की कि आप भगवान के अवतार हो, अर्थात उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया और उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान के माध्यम से देवहूति जी ने भी परम गति को प्राप्त किया। तो बिना गुरु के हम संसार को पार नहीं कर सकते, इसलिए संत पुरुषों की शरण में हमको जाना पड़ेगा। मद भागवत में कथा आती है कि जो भरत जी थे, राजा भरत ऋषभदेव जी के पुत्र, उन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया और जंगल में जाकर के गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने लगे, लेकिन अंत समय उनका मृग में ध्यान चला गया और उनको मृग योनि प्राप्त हो गई। लेकिन उन्होंने जो तपस्या कर रखी थी उसके प्रभाव वश उन्हें वहां पर भी ज्ञान बना रहा। अगला जन्म उन्हें फिर ब्राह्मण के घर में उनको जन्म प्राप्त हुआ और वहां पर उन्होंने अब अपने आप को बिल्कुल संसार से अलग रखते हुए मूर्खों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनका वहां पर नाम जड़ भरत था। लेकिन उन्होंने फिर उस रघुगण राजा को, जो कि पूर्व जन्म में मृग था, जिसके प्रति आसक्त होने के कारण उनको मृग योनि में जाना पड़ा था और उस समय उस मृग की उन भरत जी के साथ जो संत पुरुष थे उनके साथ उनका जो संघ हुआ, उस कारण से वे राजा बने, रघुगण बने। और इस समय उन्हीं जड़ भरत जी ने, अर्थात उन्हीं संत पुरुष ने, गुरु ने उनको उपदेश देकर के भव सागर से उनको पार कर दिया। अंत में 11वें स्कंद में कथा आती है, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जाने लगते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार आता है, जन्म लेकर के फिर कर्मों के अनुसार ही उसकी गति होती है, इसलिए आप अभी मेरे साथ नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कलयुग में कैसे रह पाऊंगा, उसके लिए मुझे फिर कुछ ज्ञान दे दीजिए ताकि कलयुग का मुझ पर प्रभाव ना पड़े। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को प्रसंग सुनाया, यदु महाराज और अवधूत दत्तात्रेय भगवान का। तो दत्तात्रेय भगवान यदु महाराज से कहते हैं उनके प्रश्न करने पर कि आप इस संसार में कैसे निश्चिंत निर्विकार रहते हैं? तो वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। तो उन्होंने
उन्होंने 24 गुरुओं का आश्रय लिया जो उनकी शिक्षा गुरु है। शिक्षा हमें जहां से भी मिले हमें वहां से वो शिक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें इस भवबंधन को काटने में सहायक है। यदि वो शिक्षा एक शराबी भी यदि कहीं पर शराब पी करके लड़खड़ा करके नाली में गिरा हुआ है, उसकी इस दशा को देखकर कि यदि हमें जो शिक्षा मिल रही है कि ये शराब पीना बहुत बुरा काम है, देखो इसकी क्या दुर्गति हो रही है। एक किसी डोगरी कवि ने एक इस पर एक कविता लिखी है कि पिए डोलेगा नहीं वो पीना क्या पी ओके वही शराब जेडी करानी अंगहीन ते कुत्ते मुंह नहीं चट्टन नाली छा लोथ लोग बार नहीं तटन मुड़ते साई मुंह बड़न मक्खियां मानो की भी जी है गम होते जब दूर तो मानो की नहीं पिए। तो ये शराबी लोग क्या कहते हैं, गम को दूर करने के लिए शराब पीते हैं, लेकिन उनकी क्या दुर्गति होती है उसको देख करके भी यदि हमको कोई शिक्षा मिल रही है कि ये पीना पाप है, इससे व्यक्ति जो है वो राक्षस बन जाता है, कितनी दुर्गति होती है, तो व्यक्ति संभल जाएगा। इसी प्रकार से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने पिंगला नाम की एक वेश्या को भी गुरु बना करके उससे शिक्षा प्राप्त कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि संसार के प्रति जो हमारी आशा होती है वही परम दुख का कारण है, और यदि हम संसार से निराश हो जाते हैं तो वो परम सुख का कारण है। इसलिए ध्यान रखिए कि हमें किसी संत पुरुष का किसी ज्ञानी गुरु का आश्रय अवश्य लेना पड़ेगा जीवन में, और वो कैसा होना चाहिए, गुरु गु शब्दस्थ अंधकार गुरु शब्दस्थ निरोधकः, गुरु उसे कहा जाता है जो हमारे अंधकार ये अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश में हमको ले जाए, अर्थात जो हमारा ज्ञान है उसे मिटा दे और हमें ज्ञान की प्राप्ति करवा दे, जिससे हम असली और नकली की पहचान करके इस भवबंधन से आवागमन के चक्कर से छूट जाए। तो जो जिन गुरुजनों का इस प्रकार से शिष्यों के प्रति प्रयास है, जैसे ये भागवत की कथा इत्यादि कथाओं के माध्यम से जो हमको इस प्रकार की शिक्षा देते हैं और हमको अपने जीवन में अग्रसर होने के लिए जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में जो सहायक हैं, ऐसे गुरुओं की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे गुरुओं के पास कभी मत जाइए कि हरे शिष्य धन शोक न हरे ते गुरु घोर नरक महु मरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो केवल गुरु लोग शिष्य के धन पर जिनकी दृष्टि होती है और उनका जो शोक है दुख है उसका विनाश नहीं कर पाते, ऐसे गुरु जो है वो स्वयं भी नरक में जाते हैं और उन शिष्यों को भी नरक में ले जाते हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं की शरण में जाइए, जैसे जे गुरु गति जो हमारे संत गुरु रामानंद जी, हमने तो उनको देखा नहीं लेकिन हमारे पिताजी जो थे उनके शिष्य थे, उनके गुरु वो रहे। तो ऐसे संत जो गुरु रामानंद जी हुए जिनके लिए हमारे पिताजी हमें सुनाते थे कि वे अदृश्य हो जाते थे, बैठे बैठे गायब हो जाते थे और शेर की सवारी करते थे, कितनी तपस्या थी उनके पास, और उन्होंने तो इतना देखा हुआ था कि जितने भी जो लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माएं होती थे उनको उन्होंने इकट्ठा करके एक जगह पर रखा हुआ था और उनसे वो सब काम करवाते थे। रात के समय जो है जैसे खेती बाड़ी का काम, कहीं घराट वगैरह चलाना और कई इस प्रकार के काम उनसे वो करवाते थे, इसने इतने पहुंचे हुए संत। तो ऐसी वो उन संत की जो गति आप लोग उनके साथ जिन्हें जुड़े हुए हैं, तो हमारा इसमें कोई शक नहीं कि हम इस भवबंधन को, इस भवसागर को, इस भवाटवी को, इस भवभूम को अवश्य पार करेंगे और उस ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हमें होगी। तो इसके लिए ये ज्ञान इन्हीं सत्संग कथा वार्ताओं से हमें प्राप्त होता है, जिससे हम अपने अंदर जो हमारे विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म रिक्ता विनिवृत्त कामे द्वंदे मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अभ्यम। जो निर्माण मोह, जो मोह और मान से अभिमान से जो दूर हो जाता है, जित संग दोषा जिस पर संघ का कोई प्रभाव नहीं होता, संघ का उसमें दोष नहीं आता,
अर्थात समस्थिति, समत्वम योग उच्यते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समता का भाव रखता है, सुख आए या दुख आए, सुख में वो ज्यादा हर्षित होकर उछलता नहीं है और दुख आ जाए तो वो ज्यादा परेशान नहीं होता, उसमें भी वो स्थित रहता है, स्थिर रहता है। तो ऐसा व्यक्ति ही निर्माण मोहा जी संग दोष अध्यात्म रिता और हमेशा वो सत्संग के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ा रहता है। द्वंदे भी मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अपत्यम्। ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही उस अभय पद को प्राप्त करता है। इसलिए निर्ममो निरहंकारा स शांति में अधिगच्छति। जो अहंकार को छोड़ देता है अर्थात मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे भीतर बैठे हुए भगवान ही हमसे सब कुछ करवा रहे हैं, और इस प्रकार से जिसका अहंकार समाप्त हो जाता है अर्थात मैं और मेरा ममता, ये मेरा है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मकान गाड़ियां संपत्ति इत्यादि मेरी नहीं है, ये सब भगवान के द्वारा दी हुई हमें सुख सुविधा जो मिल रही है उसका हम सदुपयोग करके उस ईश्वर की प्राप्ति में हम आगे बढ़े। ईश्वर की कृपा समझें कि भगवान ने हम पर ये कृपा की कि हमें इसके लिए भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, जो संसारिक शरीर की आवश्यकता है वो पूर्ण भगवान ने कर दी। तो इसलिए भगवान ने हमको मौका दिया, सबसे पहले तो उनकी कृपा है कि उन्होंने जो शरीर दे दिया हमें मानव शरीर जो कि दुर्लभ है, तो इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करें। तो मैं ज्यादा समय मैंने ले लिया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो कुछ आपको अच्छी बात लगी हो उसका आपने श्रवण करने के बाद देखे, सबसे पहली भक्ति है वो यही है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सबसे पहली भक्ति जो है वो श्रवण है, तो कथा के माध्यम से हम श्रवण करके उसके बाद जो है फिर हम उस पर कीर्तन इत्यादि के साथ मनन करें, घर में जाकर के फिर विचार करें कि हमने क्या कुछ सुना और हमारे अंदर जो भी विकार है हम उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। कोई यदि हमारे विकार की ओर इंगित करेगा, कहेगा कि तुम्हारे में ये दोष है तो हमें बुरा लगता है, हम स्वयं आत्मनिरीक्षण करें तो हमें स्वयं पता चल जाएगा कि हमें ये विकार है। उस विकार को धीरे धीरे हम उसको प्रयास करें छोड़ने का प्रयास करें, एकदम से हम ये कहें कि हम बिल्कुल निष्कलंक हो जाएंगे ऐसा नहीं। देखिए ये भगवान ने जितने भी ये चीजें ना काम क्रोध लोभ मोह का जब सृष्टि का वर्णन आता है इसमें भागवत में, तो भगवान के द्वारा ही जो उपजाए हुए हैं इनका विनाश नहीं हो सकता, सिर्फ इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये अच्छे और हम इनको लगा दें, हमारा मोह जो है वो भगवान के प्रति है, हमारी आसक्ति भगवान के प्रति है, तो इसलिए हम इन पर नियंत्रण करके भगवान की ओर लगे। यही संत पुरुष गुरु लोग जो इनका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में हम अग्रसर हूँ। तुम अपनी बात को कहते हो यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ, 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का एक कीर्तन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी Thank you.
कृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ जो उन्होंने आज हमें समय दे करके इस भागवत की कथा में आने का हमें अवसर प्रदान किया, जिससे हमें भी बहुत लाभ हुआ बैठ करके कथा श्रवण की और आप सबके दर्शन हुए। धन्यवाद।